दो से तीन दिसंबर सन 1984 को हुए भोपाल गैस कांड को 37 साल पूरे हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुए गैस लीकेज की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। गैस कांड की 38वीं वर्षी पर लोगों ने मृतकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा कि 1984 में यूनियन कार्बाइड से रिसी जहरीली गैस की वजह से आज भी कई लोग पीड़ित हैं और असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। जो हादसे के वक्त जीवित बच गए वो आज फेफड़े, गुर्दे और बाकी अंगों से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मरीज कैंसर के हैं। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान भी गैस पीड़ित लोगों में इस महामारी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। राजधानी भोपाल में कोविड की वजह से होने वाली मौतों की सरकारी आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि जहरीली गैस से प्रभावित लोगों में कोरोना के चलते मृत्यु दर आम लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। इन्हें सबको देखते हुए गैस पीड़ित सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस घटना को दुनिया के सबसे बदतर औद्योगिक त्रासदियों में से एक माना जाता है। उत्तर इंग्लैंड के स्टॉक पोर्ट से लेबर पार्टी के सांसद नवेंद्र मिश्रा ने 40 सांसदों के समर्थन से भोपाल गैस लीक के पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने न्याय अभियान शीर्षक से अर्ली डे मोशन पेश किया है।